नए साल पर सबसे बड़ा तोहफा मिलने वाला है। कोरोना वैक्सीन को लेकर अब तक की सबसे बड़ी खुशखबरी सामने आई। सारे सस्पेंस और सारी आकांक्षाओं का जवाब मिला है। पहली बार इन सवालों के जवाब सामने आ गए। सवाल नंबर एक, क्या वैक्सीन 100% सेफ है? सवाल नंबर दो, क्या वैक्सीन न्यू कोरोना पर भी काम करेगी? सवाल नंबर तीन, क्या वैक्सीन कोरोना की चेन तोड़ देगी? सवाल नंबर चार, क्या वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा? सवाल नंबर पांच, वैक्सीन कब से और किसको सबसे पहले मिलेगी? हिंदुस्तान के 135 करोड़ की आबादी को कोरोना वायरस से सुरक्षित रखने के लिए देश के वैज्ञानिक 8 अलग अलग वैक्सीन पर दिन रात काम कर रहे हैं। 3 वैक्सीन प्री क्लिनिकल स्टेज में है। प्री क्लिनिकल का मतलब यह है कि 8 में से 3 वैक्सीन अपने ट्रायल के तीनों फेज कंप्लीट कर चुकी हैं, और इसका मतलब यह भी है कि कभी भी ऐलान हो सकता है कि कल या परसों से वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। 3 वैक्सीन तीनों फेज पास कर चुकी है, ये तो आपने सुना, लेकिन ये वैक्सीन कौन कौन सी है ये आपको चंद मिनट में बताएंगे। उससे पहले ये बता देते हैं कि बची हुई 5 वैक्सीन का स्टेटस क्या है। 5 में से 3 वैक्सीन दूसरे स्टेज में, जबकि 2 वैक्सीन पहले स्टेज में। वहीं अमेरिका और ब्रिटेन में जिस फाइजर वैक्सीन का इस्तेमाल हो रहा है, उस वैक्सीन ने अमेरिका में भी वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए अप्रूवल मांगी। हालांकि हिंदुस्तान के लिए सबसे अच्छी खबर आने वाली है पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर से। आपको जानकर खुशी होगी, हिंदुस्तान में अप्रूवल की रेस में नंबर 1 पर चल रही वैक्सीन कोविशील्ड पर यहां 24 घंटे काम चल रहा है। देश के लिए गर्व की बात है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ही ब्रिटेन में दी जाने वाली कोविशील्ड का सबसे ज्यादा डोज तैयार करने में जुटी हुई। कुछ ही दिनों में हमें मंजूरी मिल जाएगी, उसके बाद ये सरकार पर निर्भर करता है कि वो कितनी जल्दी इसे लेंगे, और हमारे पास 2021 के जुलाई तक इसके 300 मिलियन डोज होंगे। यानी सब कुछ ठीक रहा तो नए साल के पहले हफ्ते में कोरोना की वैक्सीन हिंदुस्तानियों के बाजू तक पहुंचने लगेगी। तैयारी पुख्ता है और वैक्सीन का ड्राई रन देश के हिस्सों में शुरू हो चुका है। ड्राई रन के जरिए इस बात की पूरी तसल्ली की जाएगी कि आपको जो वैक्सीन लगने वाली है वो पूरी तरह से सेफ यानी सुरक्षित हो। हिंदुस्तान के 4 राज्यों में वैक्सीन का जो ड्राई रन चल रहा है वो दिखाएंगे आगे। लेकिन अभी आप ये समझिए कि पूरी दुनिया में कोरोना वैक्सीन की जारी रेस का स्टेटस क्या है। फाइजर की वैक्सीन का 8 दिसंबर से ब्रिटेन में इस्तेमाल शुरू हो चुका है, यानी वैक्सीन लोगों को दी जा रही। अमेरिकी कंपनी फाइजर की वैक्सीन बहरीन मैक्सिको में भी लोगों के बाजू तक पहुंच रही, जबकि अमेरिका में फाइजर मॉडर्ना का टीका यहां के लोगों को दिया जा रहा है। रूस की स्पुतनिक वी के जरिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है। वहीं हिंदुस्तान की बात करें तो यहां सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन रेडी है, बस वैज्ञानिकों के ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। अमेरिकी कंपनी फाइजर की वैक्सीन का इस्तेमाल अमेरिका और ब्रिटेन के तकरीबन 3 लाख लोगों पर किया गया है। इस दरमियान ऐसे लोगों को वैक्सीनेशन से दूर रखा गया जिनमें किसी भी तरीके की एलर्जी की शिकायत हो। इसी के मद्देनजर अब यहां पर इंतजार किया जा रहा है एक ऐसी वैक्सीन का जो फुल प्रूफ हो, जिसमें इस तरीके की कोई भी दिक्कत सामने ना आए। कोविशील्ड, जी हाँ, ये वो वैक्सीन है जो ना हिंदुस्तानियों के लिए फुल प्रूफ है, बल्कि ये वैक्सीन कोरोना के नए स्ट्रेन के मुताबिक 4 से 6 हफ्ते में खुद को अपडेट कर लेता है। ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की इस वैक्सीन को ब्रिटेन में किसी भी वक्त इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल सकती है। हिंदुस्तान में ये वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया तैयार कर रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से देश के वैज्ञानिकों की कमेटी को इससे जुड़े जो डेटा दिए गए उस पर स्टडी अंतिम स्टेज में, और किसी भी समय हमारे यहाँ भी इस कोविशील्ड वैक्सीन को मंजूरी मिल सकती है। एस्ट्राजेनेका के सीईओ का दावा है कि कोविशील्ड वैक्सीन कोरोना के हर तरह के स्ट्रेन पर प्रभावी। आंकड़े दिखाते हैं कि कोविशील्ड वैक्सीन फाइजर और मॉडर्ना के टीके की तरह ही प्रभावी, जिन्हें 95% तक प्रभावी होने की वजह से मंजूरी मिल चुकी। कोविशील्ड वैक्सीन बहुत तबीयत खराब होने और अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति से बचाने में 100% कारगर है। कोविशील्ड अत्यधिक संक्रमित वायरस के नए स्ट्रेन के खिलाफ भी प्रभावी होनी चाहिए। मैं आपके जहन में ये सवाल भी हो सकता है कि हिंदुस्तान में इस वक्त वो कौन कौन सी वैक्सीन है जो रेस में है, वो कौन कौन सी वैक्सीन है जो बहुत जल्द आ सकती है, वो भी हम आपको बता देते हैं। देखिए हिंदुस्तान में, भारत में वैक्सीन की रेस में वो कौन कौन सी कंपनियां हैं उसकी सारी जानकारी। वैक्सीन नंबर 1 कोविशील्ड ट्रायल फेज 3 में पहुंच चुका है। कीमत या डोज की अगर बात करें 222 रुपए के आसपास। स्टोरेज के तापमान यहां पर 2 से 8 डिग्री की जरूरत होगी। कोवैक्सीन इसका ट्रायल भी फेज 3 तक पहुंच चुका है। 300 से 400 रुपए इसकी कीमत बताई जा रही है। यहां पर भी 2 से 8 डिग्री तापमान की जरूरत होगी। ये वो वैक्सीन है जो इस वक्त रेस में नजर आ रही है। ये वैक्सीन जायकोव
डी ए भी तीसरे चरण का इसका ट्रायल चल रहा है, इसकी कीमत अभी तय नहीं है और इसके लिए भी जो स्टोरेज का जरूरी तापमान है वो उतना ही है, यानी 2 से 8 डिग्री। लेकिन फाइजर की जो वैक्सीन है उसके लिए स्टोरेज तापमान -70 डिग्री चाहिए, इसकी कीमत भी कहीं ज्यादा है, 1450 रुपए। लेकिन अच्छी बात यह कि इसका ट्रायल चौथे चरण तक पहुंच चुका है। मॉडर्ना की अगर बात की जाए यहां पर भी -20 डिग्री का तापमान चाहिए, कीमत कहीं ज्यादा, 4000 रुपए, और इसका ट्रायल भी तीसरे चरण में इस वक्त नजर आ रहा है। स्पुतनिक वी वैक्सीन ये इसके लिए -18 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए, इसकी कीमत थोड़ी सी यहां पर कम है, 740 रुपए। ट्रायल तीसरे चरण में इसका भी पहुंच चुका है। तो ये वो कंपनियां जो इस वक्त रेस में है हिंदुस्तान में। अब तक आप समझ गए होंगे कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में तैयार हो रही कोविशील्ड वैक्सीन न सिर्फ सस्ती बल्कि इसका स्टोरेज भी बाकी वैक्सीन के मुकाबले किफायती, क्योंकि इसे सामान्य रेफ्रिजरेटर वाले टेम्परेचर पर स्टोर रखा जा सकता है। लेकिन हम ये क्यों कह रहे हैं कि कोविशील्ड सबसे सेफ यानी सुरक्षित वैक्सीन है, इसके लिए आपको वैक्सीन तैयार करने की प्रक्रिया को समझना होगा। पूरी दुनिया में वैक्सीन इन्हीं 6 तकनीक से बन रही, जीवित वायरस, इनएक्टिवेटेड वायरस, प्रोटीन सब यूनिट, वायरस जैसे कर्ण, वायरल वेक्टर और mRNA टाइप से वैक्सीन तैयार की जाती है। देखिए ये बेसिकली कोविड का वायरस है और ये इसके ऊपर जो है ये प्रोटीन्स के इसके वो जीनोम्स जो हैं वो लगे हुए हैं, और इसमें हम लोग ये बेसिकली इसमें हम ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि वैक्सीन बनती कैसी है। वैक्सीन की प्रक्रिया ये बनती है, वैक्सीन में हम करते क्या हैं कि इसी जो वायरस है इसका हम एंटीजन निकाल लेते हैं और उस एंटीजन के अंदर 5-6 चीज़ें डालते हैं, स्टेबलाइजर डालते हैं, एडजुवेंट डालते हैं, और उसके बाद में हम उस वैक्सीन को जो है प्रिपेयर करते हैं और उसके बाद में इसका जो एंटीजन डालते हैं। अब होता क्या है, जब ये शरीर के अंदर घुसता है तो शरीर में घुसने के बाद में ये फिर एकदम से वहाँ पर एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन कर देता है। ये जो है ये हमने बताया है कि किस तरह से ये वैक्सीन्स जो हैं बनती हैं। 4 तरह की वैक्सीन्स होती हैं, एक तो होता है वायरस की वैक्सीन, एक होता है वायरल वैक्टर वैक्सीन, एक होता है न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन और एक होता है प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन। ये जो है इस तरह की 4 तरह की जो है वैक्सीन डेवलप होती हैं। ये तो आप समझ ही गए होंगे कि कोरोना की कौन कौन सी वैक्सीन किस किस तरह से बनाई जाती है। फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन का इस्तेमाल ब्रिटेन और अमेरिका में भले शुरू हो चुका है लेकिन ये mRNA तकनीक पर है, जबकि हिंदुस्तान में जो वैक्सीन बन रही है वो वैक्सीन प्रोटीन आधारित है। प्रोटीन आधारित वैक्सीन 4 से 6 हफ्ते में अपडेट होती कि होल वेरिएंट को किल करके हम सुई लगाते हैं तो उसको देख के बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, लड़ने का जो क्षमता है, वो प्रोटीन्स बना लेते हैं और सेल्स बना लेता है। हम कहते हैं ह्यूमरल एंटीबॉडी जो लड़ने के लिए तैयार रहते हैं और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, सेल्स भी तैयार होकर रहते हैं। कोरोना वैक्सीन को लेकर केंद्र और राज्य सरकारें पूरे वॉर मोड में काम कर रही। देश के राज्यों के 4 शहरों में वैक्सीन का ड्राई रन चल रहा है, यानी यहां वैक्सीन लगाने तक की प्रैक्टिस की जा रही ताकि जब वैक्सीन आए तो कोई गलती की गुंजाइश ना रहे। ये ड्राई रन पंजाब, असम, आंध्र प्रदेश और गुजरात में हो रहे, यानी देश के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम हर हिस्से को फोकस किया जा रहा है। वैक्सीनेशन प्रक्रिया के ड्राई रन का मतलब है टीकाकरण अभियान के हर स्टेप की मॉक ड्रिल करना, जब टीकाकरण अभियान शुरू हो तो किसी भी तरह की कोई चूक की गुंजाइश ना रहे। इस मॉक ड्रिल के अंदर वैक्सीनेशन सेंटर तक, कोल्ड स्टोरेज से वैक्सीनेशन सेंटर तक वैक्सीन पहुंचेगी, क्राउड मैनेजमेंट के लिए भी वहां पर खास इंतजाम किए जाएंगे, उसकी भी मॉक ड्रिल होगी और साथ ही रियल टाइम वैक्सीन मॉनिटरिंग भी की जाएगी। सिवाय असली वैक्सीन देने के, इस मॉक ड्रिल में सब कुछ होगा ताकि कहीं भी चूक की गुंजाइश ना हो जब भारत में टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो। पंजाब के लुधियाना और नवांशहर में कोरोना वैक्सीन को लेकर ड्राई रन जारी। अब न्यूज़ नेशन की टीम ने भी उस सेंटर का जायजा लिया जहां कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन हो रहा है। कोरोना वैक्सीन जब राज्यों में पहुंचेगी तब वहां से डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी। अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में जहां सेंटर बनाया गया है, चंडीगढ़ में ये सेंटर बनाया गया है जहां वैक्सीन को रखा जाएगा। हालांकि अभी तैयारियां चल रही हैं और आप देख सकते हैं कि यहां पर जो सिरिंज हैं वो पहुँचना शुरू हो गई हैं। हालांकि जो वैक्सीन के लिए जो यहां पर रेफ्रिजरेटर लगने हैं अभी वो यहां पर नहीं लगे हैं और अभी तैयारियां जो हैं यहां पर की जा रही हैं, तो उसके बाद जो है ये हेड ऑफिस होगा, यहां से वैक्सीन जो है जितने पंजाब के ज़िले हैं वहां पर पहुंचाई जाएगी और
और जो जिलों का हेड ऑफिस होगा वैक्सीन को रखने का, उसके बाद जो पीएचसी सेंटर हैं यानी कि जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं या फिर जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वहां पर जो है वो वैक्सीन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। वैक्सीन के ड्राई रन में क्या हो रहा है ये बात स्टेप बाय स्टेप समझिए। पहला स्टेप, ड्राई रन की साइट पर जिन्हें टीका लगेगा उनके लिस्ट बनी, 25 लोगों को चिन्हित किया गया। दूसरा स्टेप, एक एक कर ड्राई रन में शामिल लोगों को बुलाया जाएगा। कोविन ऐप के जरिए टीका लगाने वाले शख्स का डेटा वेरीफाई होगा। तीसरा स्टेप, ड्राई रन की साइट पर डमी मरीज को टीका लगाया जाएगा। चौथा स्टेप, जिसे डमी टीका लगेगा उसे 30 मिनट तक ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा ताकि टीका लगने के बाद कोई साइड इफेक्ट ना हो, इसकी जांच हो सके। पांचवा स्टेप, वैक्सीनेशन से जुड़े लोग कोविन ऐप पर टीका लगाने वाले का डेटा अपडेट करेगा। इस ड्राई रन का मकसद वैक्सीनेशन में शामिल टीम को तैयार करना, कोविन ऐप को चेक करना, पूरे प्लान को लागू करने में आ रही दिक्कतों को दूर करना। भारत सरकार ने 4 राज्यों को चुना है मॉक ड्रिल के लिए, यानी कि वैक्सीन आ जाने के बाद लोगों तक वैक्सीन कैसे पहुंचेगी और जिसको वैक्सीन लेनी होगी उसके शरीर तक कैसे पहुंचेगी, उसकी एक पूरी मॉक ड्रिल होनी है 4 राज्यों में। बताया ये जा रहा है कि जहां पर वैक्सीन का जो मुख्य स्टोरेज होगा वहां से वैक्सीन निकलेगी और वो वैक्सीन इस छोटे छोटे स्टोरेज में आएगी और यहां से कुछ पेशेंट बुलाए जाएंगे जो डमी हो गए लोग, उनको वैक्सीन का जो है वो टीका दिया जाएगा। और ये सारा जो मॉक ड्रिल है वो रियल टाइम में होगा ताकि पता चल पाए कि क्या क्या बाधाएं आ रही है, क्या क्या दिक्कतें आ रही है। अब ये भी समझिए कि वैक्सीन सेंटर पर वैक्सीनेशन टीम में कौन कौन से सदस्य होंगे, उनकी भूमिका क्या होगी। पहली टीम डॉक्टर नर्स की होगी जो टीका लगाएगी। दूसरी टीम में होमगार्ड और सिविल डिफेंस के लोग होंगे जो टीका लगाने वालों की जानकारी रखेंगे। एक टीम टीका लगाने वाले के दस्तावेज की जांच को प्रमाणित करेगी। एक टीम ये सुनिश्चित करेगी कि भीड़ ना हो, एक बार में एक ही शख्स वैक्सीनेशन के लिए आए, यानी सरकार की ओर से वैक्सीन आपके बाजू तक पहुंचाने की पूरी तैयारी। लेकिन हमें पता है कि अभी भी कुछ लोग कोरोना वैक्सीन को लेकर संदेह में। लोगों में इस बात का डर है कि कोरोना की वैक्सीन रिकॉर्ड कम समय में तैयार हुई है। ऐसे में आपको ये भी समझना जरूरी है कि दुनिया में अलग अलग बीमारियों की वैक्सीन कितने दिनों में बनकर तैयार हुई। साल 1918 में स्पेनिश फ्लू के आने पर उसका टीका बनने में लगभग 27 साल लग गए। पोलियो वायरस के लिए भी वैज्ञानिकों ने 1935 में कोशिश शुरू की, लेकिन 1953 में टीका आ सका। जबकि चेचक के टीके को विकसित करने में वैज्ञानिकों को करीब 10 साल लग गए। अब तक कम समय में मम्स का टीके तैयार हुए, लेकिन इसमें भी 4 साल लग गए थे। हम 21वीं सदी में और सोचिए अगर हम 19वीं या 20वीं सदी में बनी हुई कोई वैक्सीन की तुलना कोरोना वैक्सीन से करेंगे तो वो ठीक नहीं होगा। ठीक वैसा ही है जैसे हम इस वक्त 5G टेक्नोलॉजी की तरफ जाने वाले हैं टेलीकम्युनिकेशन में, वैसे ही मेडिकल साइंस ने भी तरक्की की है और कोरोना वैक्सीन को रिकॉर्ड समय में बनाने के लिए mRNA टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ जो अब से पहले कभी नहीं होता था। इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि अगर हम कोरोना वैक्सीन पर सवाल खड़े करेंगे तो उसमें जुड़े हुए उन हजारों वैज्ञानिकों की आस्था पर भी सवाल खड़े करेंगे। ऐसे में नए साल के साथ आप भी बेफिक्र होकर इंतजार करें उस संजीवनी का जिससे उस वायरस का खात्मा शायद संभव हो जिसने साल 2020 में देश दुनिया में लाखों परिवारों की खुशियां छीन ली। टीम न्यूज़ नेशन।